नया IBN 7 हौसला है। सलमान की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, 13 साल की सुनवाई के बाद हिट एंड रन केस में आ जाएगा फैसला। सुबह 11:15 बजे तक सलमान को होना है हाजिर। सजा मिलेगी या बरी होंगे सलमान, फैसले पर लगा है 2000 करोड़ का सट्टा। सलमान की फिल्मों के 250 करोड़ भी दांव पर। देश भर की निगाहें मुंबई सेशंस कोर्ट पर। आखिर क्या होगा सलमान का? तो बस 2.25 घंटे का वक्त बचा है, ठीक 11:15 बजे कोर्ट में पेश होंगे सलमान खान। 13 साल बाद आखिरकार आज सलमान पर फैसला आने वाला है। दबंग खान की इस मुश्किल घड़ी में बॉलीवुड हो या फिर उनका परिवार, इस वक्त बहुत बड़ी चिंता में है। फैंस में भी बेचैनी है कि आखिर होगा क्या। अब आगे की कवरेज के लिए सीधे रुख करते हैं मुंबई के सेशंस कोर्ट में मौजूद हमारे सहयोगी प्रतीक का। शुक्रिया तेजस्वी, और इस वक्त मैं सेशन कोर्ट के सामने मौजूद हूं। और ये बताएं कि यहां पे जहां तक परिवार का सवाल है, सलमान खान का एक ही बात कही जा सकती है, धड़कनें तेज हैं। परिवार हालांकि इस वक्त एक साथ है, और स्क्रीन पर हम आपको जो ये चार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये परिवार के लोगों की, अलविरा उनकी बहन सलीम साहब, उनके पिता मशहूर लेखक, और उनके भाई, पूरा परिवार इस समय, चार तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरा परिवार इस वक्त उनके साथ है। बड़ा दिन है, और कहें कि कड़े इम्तिहान का भी, उनके परिवार के लिए भी ये कड़े इम्तिहान का समय है। और इस वक्त जैसा होता है, एक परिवार साथ है। कल रात भी सारे परिवार ने एक साथ बैठकर डिनर किया, लोगों का मिलने का, बॉलीवुड से हो या उनके करीबी लोग हों, दोस्त हों, उनसे मिलने का सिलसिला जारी है। बाहर उनके घर के बाहर परिवार के लोग लगातार आ रहे हैं, फैंस मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग दुआ मांग रहे हैं। लेकिन हम बताएं कि ये 13 साल बीते, 2002, 28 सितंबर, जी हाँ, ये वही दिन था जिस दिन ये हादसा हुआ। उसके बाद से तमाम उतार चढ़ाव के बीच से गुजरता रहा ये पूरा मामला, और अब आज के दिन ये होना है फैसला। क्या है पूरा मामला, आएगा आज फैसला, क्या मुस्कुराहट सलमान के चेहरे पर दिखेगी, देखते हैं ये पूरा मामला। दबंग सलमान खान, टाइगर खान, करोड़ों के दिलों की धड़कन, सलमान का क्या होगा? पूरे देश की नजर मुंबई के सेशन कोर्ट पर टिकी है। 13 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार अब फैसला आने में बहुत देर नहीं बची है। कोर्ट के आसपास सुरक्षा का बेहद कड़ा इंतजाम है। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान भीतर जाने की इजाजत सिर्फ केस से जुड़े लोगों, वकीलों और मीडिया कर्मियों को होगी। 6 मई को सुनवाई के दौरान जज ने सलमान खान को सुबह 11:15 बजे तक हाजिर होने का आदेश दिया है। यही वजह है कि श्रीनगर में फिल्म की शूटिंग कर रहे सलमान खान मंगलवार को ही मुंबई पहुंच गए। एयरपोर्ट पर उन्हें देखने के लिए चाहने वालों की भीड़ जमा थी। मीडिया के दर्जनों कैमरे सलमान की एक झलक रिकॉर्ड करने के लिए जूझ रहे थे। नीले रंग की पूरी बाहों की टी शर्ट, जीन्स पैंट और आंखों पर काला चश्मा पहने सलमान सीधे घर की ओर निकल गए। हम आपको ये भी बता दें कि 27-28 सितंबर 2002 की दरमियानी रात को बांद्रा में सलमान की लैंड क्रूजर गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई थी, और इस हादसे में एक बेकरी मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग इसमें घायल हुए थे। इस मामले में सलमान को लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोपी बनाया गया। अब जब 13 साल पुराने इस मामले में फैसला आने वाला है, तो पीड़ितों को इंसाफ की उम्मीद जगी है। उनकी बातों में सलमान के खिलाफ तल्खी अब भी सुनाई देती है। अगर उन्हें सजा हो जाएगी तो हमारा पैर जो है पहले के जैसा थोड़ी हो पाएगा। हम ये चाहते हैं हमारे बीबी बच्चे जैसा परेशान रहते हो तो उनकी परेशानियां दूर हो जाए। हम ही भी कमा नहीं पाते हैं ठीक से, तो हमारी भी थोड़ी तकलीफें कम हो जाए। उन्हें सजा हो जाएगी तो क्या हमारी परेशानियां थोड़ी दूर हो जाएगी। इस केस की सुनवाई के दौरान कई बार चौंकाने वाले मोड़ आए। अगर सलमान पर लगी धाराओं की बात करें तो IPC की धारा 304 पार्ट 2 के तहत सलमान पर गैर इरादतन हत्या का आरोप है। इस धारा में आरोप साबित होने पर उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है। सलमान पर धारा 279 के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप है। इस धारा में सलमान को 6 महीने की जेल हो सकती है।
धारा 337 और 338 के तहत सलमान पर जिंदगी को खतरा पहुंचाने का आरोप है। इन धाराओं में सलमान को 2 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 427 के तहत सलमान पर बुरे बर्ताव के चलते संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इस धारा में सलमान को 2 साल तक की सजा हो सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 34 ए बी और 181 के तहत सलमान के खिलाफ नियमों के खिलाफ गाड़ी चलाने का आरोप है। मोटर व्हीकल एक्ट के ही सेक्शन 185 के तहत सलमान के खिलाफ शराब पीकर तेज गाड़ी चलाने का आरोप है। बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के तहत भी सलमान पर शराब पीकर कार चलाने का आरोप लगाया गया है। जाहिर है कोर्ट का फैसला सलमान का करियर बिगाड़ सकता है। ऐसे में फिल्म निर्माताओं की भी नींद उड़ी हुई है। उनकी 2 फिल्में बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायू लगभग तैयार है। फिल्म समीक्षकों के मुताबिक इस वक्त सलमान खान पर करोड़ों का दांव लगा हुआ है। पूरा मिलाकर एक आंकड़ा कहना तो थोड़ा मुश्किल है, बट आप गेस कर सकते हैं कि काफी करोड़ तो होंगे और काफी 100 करोड़ होंगे। सलमान खान पर अदालत क्या फैसला सुनाएगी, इस पर तो पूरे देश की नजरें टिकी है। बेचैनी दोनों पक्षों में है। 13 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केस का नतीजा क्या होगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए बस अब करना होगा थोड़ा सा इंतजार। मोहम्मद तारिक, मुंबई, IBN 7। जी हाँ, तो ये देखा कि तमाम धाराएं जिन पर सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन परिवार इस वक्त एक है। ट्विटर के जरिए अलविरा ने कहा है कि ये बड़े इम्तहान, ये बड़ा दिन है हमारे लिए, लेकिन परिवार हम सब लोग एक साथ हैं। ये सलमान की बहन अलविरा का ट्विटर, उन्होंने इसमें कहा है कि ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि ये बड़ा दिन है लेकिन हम सब एक साथ हैं। निश्चित तौर से परिवार के लिए कड़ा इम्तहान का दिन, सलमान के लिए भी है। और जहां तक फ्लोर पर उनकी 2 पिक्चरें हैं इस वक्त, कल ही वो श्रीनगर से आए, लेकिन हम बताएं कि पूरे देश दुनिया की नजरें इस वक्त यहाँ सेशन कोर्ट में मौजूद हैं। और हम आपको बताएं हमारे कैमरामैन निजाम यहाँ पे मौजूद हैं, और एक तरफ उसे गुजारिश करेंगे कि वो एक बार बताएं कि मीडिया के तमाम सारे लोग, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम सारे लोग यहाँ इस वक्त सेशन कोर्ट के सामने मौजूद हैं कवर करने के लिए। अब से कुछ ही घंटे बाद, अगर कहें कि लगभग 2 घंटे बाद फैसला आएगा, उस पर निगाहें बनी हुई हैं। चहलकदमी सुबह से, बहुत सुबह से यहाँ पर मीडिया का के लोग जमा होने लगे थे, लेकिन उधर सलमान के घर के बाहर भी फैंस जमा हैं, उनके परिवार के लोग लगातार उनके से मिलने आ रहे हैं। सलमान घर के अंदर मौजूद, अब से कुछ देर बाद वो वहाँ निकलेंगे, लेकिन हमारी संवाददाता पायल सुबह से वहाँ पे मौजूद है। उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ पाया, आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। आज मुंबई की एक सेशंस कोर्ट सलमान खान पर हिट एंड रन केस पर फैसला सुनाने वाली है, लेकिन उससे पहले हम आपको सलमान खान के घर के बाहर का नज़ारा देखते हैं। वो जो घर है जिसमें शेड लगा हुआ है, वो सलमान खान का घर है। 11 बजे आज उन्हें कोर्ट पहुंचना है, तो तकरीबन 9:30 के आसपास सलमान खान यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। 1 घंटे के आसपास का समय उनको लग सकता है कोर्ट पहुंचने में। और अगर आप यहां पर देखें तो फैंस का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। उम्मीद सब यही कर रहे हैं कि आज जो फैसला आएगा वो हो सकता है कि सलमान के पक्ष में हो। कुछ फैंस हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे बात करते हैं। आप यहां पर सलमान खान को देखने के लिए खड़े के लिए आए हैं, और हमारी दुआ है कि सलमान भाई आज बाइज्जत रिहा होंगे। सलमान भाई हम लोगों के रियल हीरो हैं। 125 करोड़ देश की आबादी सलमान भाई के बाइज्जत रिहा होने का इंतजार कर रहा है। जज साहब से भी निवेदन है कि सलमान भाई की दरिया दिली को ध्यान में रखते हुए फैसला उनके पक्ष में आएगा। क्या कहना चाहेंगे सलमान के लिए आज? सलमान के लिए यही कहना चाहेंगे कि बाइज्जत बरी होंगे इंशाल्लाह। वो हम रात से उसके लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि भाईजान असली हीरो है, कोई है तो सलमान खान है। जी हाँ, और ये भी सच है कि कानून के आगे सब कुछ बराबर होता है, सब कुछ समान होता है। और हमारे दो संवाददाता लगातार इसी पर नजर बनाए हैं। विवेक गुप्ता हमारे साथ सेशन कोर्ट पे मौजूद हैं, हमारे साथ पायल मौजूद हैं। विवेक के पास सबसे पहले चलेंगे। विवेक, इस पूरे मामले में तमाम उतार चढ़ाव आपने देखे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त सलमान कितनी देर में यहां पहुंचेंगे, वो रास्ते जिससे वह पहुंचेंगे, गाड़ी कहां आएगी, और ये जो देश पांडे साहब की कोर्ट में जाना है उनको, तो गाड़ी कहां तक पहुंचेगी, और क्या इंतजाम खासतौर से इस वक्त किए हैं पुलिस ने? आज
प्रतीक, देखिए सलमान खान अपने पूरे परिवार के साथ, अपने वकील के साथ लगभग 9:30 बजे जो मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में उनका घर है वहाँ से निकलेंगे। और जो दूरी है बांद्रा से स्टेशन कोर्ट तक की दूरी है वो तकरीबन 45 मिनट की दूरी है, और उम्मीद जताई जा रही है कि 10:30 और 11:15 के आसपास वो स्टेशन कोर्ट पहुँचेंगे। और जो मेरे पीछे जो गेट देख रहे हैं, गेट नंबर 3, यहाँ से उन्हें परमिशन दी गई है, और उन्होंने एक स्पेशल परमिशन ली है कि सलमान खान अपनी गाड़ी के साथ सीधे उनकी गाड़ी अंदर जा सकती है। अगर मैं अपने कैमरामैन रमेश से बोलूँगा तो आपको दिखा सकते हैं कि जो आसपास जो गेट के आसपास का नज़ारा है वहाँ पर बाकायदा बैरिकेडिंग लगा दी गई है, बाकायदा यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है कि ताकि जो फैंस का जो जमावड़ा है वो ना हो पाए और जो सलमान खान आने वाले हैं वो आसानी से अंदर जा सकें। और आपको बता दें कि सलमान खान जब आते हैं तो उनके साथ 2 से 3 गाड़ियाँ होती हैं जिसमें सलमान खान के वकील, सलमान खान की पूरी टीम और सलमान खान का जो पूरा परिवार होता है वो यहाँ पर मौजूद होता है। और पूरे जो 13 साल में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे गए, पूरे कई सालों तक ये पूरा मामला मुंबई के बांद्रा कोर्ट में चला, फिर ये लगभग 2 से 3 साल तक पूरा मामला मुंबई के सेशन कोर्ट में चला। पहले जब पूरा मामला चला था उसमें 67 गवाह थे, लेकिन जब फिर से ये रीट्रायल शुरू हुआ उसमें 28 गवाह थे जिसमें से 27 गवाह सरकारी पक्ष के थे और जो एक अहम गवाह था वो सलमान खान की तरफ से था, जो अशोक सिंह, जो उसने पूरे मामले को टर्न कर दिया था। उसने कोर्ट में बयान दिया था कि उस रात गाड़ी कोई और नहीं बल्कि सलमान खान नहीं बल्कि वो खुद चला रहे थे। अब इतने जी विवेक, बिल्कुल विवेक, हम आपके पास लौटेंगे क्योंकि आपको भी बहुत कुछ आज बताना है, आप लगातार सेशन कोर्ट पर नजर रखे हुए हैं। हम सीधे पायल के पास चलेंगे जो कि सलमान के घर के बाहर मौजूद हैं। पायल, फैंस बढ़े हैं या वही लोग मौजूद हैं, क्या हो रहा है वहाँ घर के बाहर? प्रतीक, अमूमन सलमान के घर के बाहर बहुत सारे फैंस नजर आते हैं लेकिन आज उतने फैंस यहाँ पर नहीं है। सलमान के जो बॉडीगार्ड्स हैं वो उन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशन ले ली है, शायद थोड़ी देर में ही सलमान यहाँ से बाहर आ सकते हैं क्योंकि 1 घंटे का वक्त लगेगा, उनको 11 बजे के आस पेश होना है कोर्ट में। तो मुंबई के ट्रैफिक को देखते हुए वो हो सकता है यहाँ पे 9:30 बजे के आसपास यहाँ से निकले। यहाँ पर उनकी बहन अलविरा यहाँ पे अंदर गई, बाबा सिद्दीकी जो पूर्व MLA थे वो अंदर जा चुके हैं, सलीम खान उनके पापा जो थोड़ी देर पहले वॉक पे गए थे वो भी घर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ सलमान खान के एक फैन हैं, आप यहां पर बहुत देर से मौजूद हैं, कब से यहां पर हैं? थैंक यू अगेन, मुझे अपनी सराहना जी उसके लिए, मैं सुबह से तो वैसे हूं ही, 3 दिन से यही घूमता हूं, क्यों करूं? क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि सर की जीत और कानून की हार, क्यों? उसकी वजह ये फैंस का प्यार है जो सलमान के लिए दुआएं कर रहा है और इनका कहना है कि सलमान के लिए आज का दिन अच्छा साबित हो। लेकिन प्रतीक, थोड़ी देर में सलमान खान यहां से निकलने वाले हैं और सारी पल पल की पूरी अपडेट्स IBN 7 पर दर्शक देख सकते हैं, कैमरे पूरे यहां पर तैनात हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल पायल, आप वहाँ पे मौजूद हैं, हम आपसे बिल्कुल जानकारी लेते रहेंगे। पायल के साथ विवेक भी मौजूद हैं, सेशन कोर्ट पे मौजूद हैं, हम इस सारी जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं, आप बने रहिए, देखते रहिए IBN 7। Salman is a wonderful person. I think people evolve, people change, people see life. The kind of humanitarian work he is doing, I think it's. I'll pray to God that he is happy after the verdict. And but I, being a common man of this country, I can't pass a judgment on something which is the law has to take its thing. And I'll just hope that things are all right.
and I just hope. But Salman, that I have known for the last 12, 15, 30, 20 years, has become the most amazing human being. You know, I think a matter like that is legal. So for us to give our perspective is not entirely the right thing, and this is certainly not the platform like this. All of us, we're a fraternity, I've never said we're not an industry. So all of us are deeply connected to Salman, and we stand by him, we support him, and we wish him all the best. All our thoughts are always with him. See, I'm really fond of Salman. He's a very wonderful person, very sweet person, a very sought-after actor. That is a different thing, but he is, as a human being, is a wonderful person. But something has happened like this, which was unfortunately. So I'm sure he will come out of it. We are all only praying that everything should be all right. सलमान खान हिट एंड रन मामले के आईबीएन 7 के इस महा कवरेज में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं इस वक्त सेशन कोर्ट मुंबई के बाहर मौजूद हूं, जहां पे 12 बजे के बाद सलमान खान का फैसला होगा कि हालांकि निश्चित तौर से ये बड़ा कठिन और एक कह सकते हैं मुश्किल भरा दौर जिसमें परिवार भी उनके साथ है, लेकिन जी मैंने इस वक्त मैं आपको उनके सलमान खान के घर के बाहर ले चल सकता हूँ, जहाँ पर इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके भाई अरबाज खान के विजुअल्स आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। परिवार इस वक्त उनके साथ है, लगातार ट्वीट किया जा रहा है कि आप बाहर निकल रहे हैं एक एक करके। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि अरबाज खान को आपने देखा कि वो बाहर निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, और कुछ देर बाद ही सलमान खान वहां से निकलेंगे कोर्ट के लिए। जैसा कि कह रहा था कि परिवार के लिए निश्चित तौर से कठिन और इम्तिहान का समय है, लेकिन जैसा कि ट्वीट किया जा रहा है लगातार कह रहा परिवार कि वो इस वक्त एक साथ है और ये मुश्किल और कठिन दौर में परिवार जो उनकी ताकत रही है। सलमान ने कई बार कहा है कि उनकी ताकत यही उनका परिवार है, तो ये उनकी ताकत रहा है और परिवार ही उनका ताकत, और इस मुश्किल दौर में भी सलमान ने जो कुछ एक तरह से ताकत अर्जित की है वो इसी परिवार से ली है, और बराबर वो ये कहते रहे हैं कि इस मुश्किल दौर में परिवार और वो सब एक साथ हैं। सलमान अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं, इस नाते माँ बाप का सबसे ज्यादा प्यार भी उन्हीं को मिला है, और सलमान अपने से छोटों पर जी भरकर प्यार लुटाते रहे हैं। लेकिन फैसले से पहले सलमान को सबसे ज्यादा चिंता आने वाले कल को लेकर नहीं बल्कि अपनी माँ को लेकर है। सलमान के सामने बार बार सालों पुराना वो नजारा घूम रहा है जब वो सलाखों के पीछे थे और उनकी माँ सदमे में अस्पताल में भर्ती थी। I can never forget वो दिन जब मैं इसको मिलने गई थी थाना जेल में। मेरे मामा, जब पिछली बार मैं जेल गया था तो मुझे बताया नहीं गया था कि मम्मी की तबीयत इनको ऐसा लगा कि हिंदी पिक्चर की तरह मैं जेल तोड़ के भाग कर आ जाऊंगा, तो मुझे बाद में पता चला कि बेबी केम एंड टोल्ड मी दैट शी इज इन हॉस्पिटल। सलमान अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करते हैं, और इसलिए सलमान को रह रहकर माँ की चिंता खाई जा रही है कि अगर कोई बुरी खबर आई तो इस बार उनकी माँ कहीं फिर टूट ना जाए। But if you're thinking Thana was bad, you should have seen Arthur Road in Jodhpur. I didn't come there. I saw this. सलमान अपनी माँ के कितने दुलारे हैं ये सलीम खान के इस बयान से समझा जा सकता है। सलमान का तो जितना भी नुकसान किया उसकी माँ ने किया है। आप इसलिए कि सलमान का कभी भी किसी स्टार से लव होता है तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है कि लव तो होता है किसी स्टार से, किसी हीरोइन से जब साथ में काम करते हैं एक प्रॉक्सिमिटी होती है, मिलना जुलना होता है, मगर फिर बाद में उसके अंदर अपनी माँ तलाश करता है जो मिलती नहीं है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं, तो उसकी ज़िंदगी के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। गैब्रियल शॉप होता है ना, एकदम इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ जो ट्रकों में और बसों में लगता है, डैडी रैम्बो हैं और मम्मी गैब्रियल शॉक ऑब्जर्वर्स हैं। सलमान की यही खासियत है, जितना प्यार वो लुटाते हैं उन्हें उससे कहीं ज्यादा प्यार वापस मिलता है।
परिवार का यही प्यार सलमान की सबसे बड़ी ताकत है और इसी के सहारे वो किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। जी हाँ, ये सलमान खान ही है जो उनकी असल जिंदगी भी जो है वो पहले पर्दे से ज्यादा शानदार और ज्यादा रोचक है। लेकिन ये कवरेज लगातार जारी है और हम सेशन कोर्ट में मौजूद हैं और हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं इस केस पर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBN 7। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। I'm personally very, very close to Salman Bhai. I've grown up in front of him when dad used to make films with him. I think he's a great guy. He's a superhuman being. As far as the verdict is concerned, I think that the court will decide and, you know, justice should prevail. But I'm not, you know, someone big to comment on that. But I really love Salman Khan. I think he's a great guy. And intentionally, I don't think he would do anything wrong. Well, I don't know. I mean, we can't comment on any of that because I think it's the judiciary that's going to kind of, you know, give its verdict. I don't know what to say, but I mean, strength to him and his family, and let's see what happens. I would echo what Kunal said. I don't think it's appropriate for us to comment on it, apart from, of course, extending a lot of support to Salman Bhai, whom we both are very fond of. फिर स्वागत है और इस वक्त मैं मौजूद हूं सेशन कोर्ट में, जिसमें आप देख रहे हैं सलमान खान हिट एंड रन मामले का महाकवरेज और IBN 7 लगातार आपको ये कवरेज दिखा रहा है। हमारे रिपोर्टर लगातार मौजूद हैं सलमान खान के घर के बाहर और सेशन कोर्ट पे, और इस वक्त ये सेशन कोर्ट जहां से आपसे कुछ देर बाद फैसला आना है सलमान खान के लिए। आज सबसे अहम दिन उनके परिवार के लिए, कठिन समय, उस समय को कवर करने के लिए तमाम देश दुनिया के तमाम यहां पर प्रिंट और टेलीविजन के रिपोर्टर्स यहां पर मौजूद हैं और यहाँ पर इस कवरेज के लिए यहाँ पर सुबह से, बहुत सुबह से यहाँ पर इकट्ठा है। लेकिन सलमान खान की जो जिंदगी है खास तौर से बहुत महत्वपूर्ण रही है। रुपैले पर्दे की जिंदगी और असल जिंदगी, कहते हैं कि असल जिंदगी उनकी ज्यादा रोचक है। कहते हैं जिसको कि दुश्मनों का दुश्मन और दोस्तों का दोस्त, सलमान खान वही है। जिससे दोस्ती उसके लिए सब कुछ निछावर, लेकिन जिससे दुश्मनी उसका पीछा नहीं छोड़ना। आइए देखते हैं कि सलमान के वो कौन से दोस्त हैं और वो कौन से, सबसे पहले देखते हैं वो कौन सी दुश्मनी है जिसको वो दूर तक निभाते हैं। एक बुरी बुरी बातों और गालियों का एक डिक्शनरी छपवा सकता हूं उस एक कॉन्वर्जेशन के बाद। मैंने सोहेल खान को फोन किया जो मेरे बहुत करीब दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं। मैं सोहेल को कहा, सोहेल मेरे बहुत करीब दोस्त हो, यही ये घटना हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसके बाद अगर मेरा और आपका रिश्ता इस पर निर्भर है तो खराब नहीं होना चाहिए। आपके भाई ने इस तरह की बदतमीजी की है और आई एम गोइंग टू टीच हिम अ लेसन इफ ही कम्स हियर। मेरे आड़े आएगा तो मेरे से मार खाएगा। तो ही सेड कि व्हाट आर यू टॉकिंग, डोंट डू दिस, डोंट बिहेव लाइक दिस, ही इज जस्ट अपसेट, ही इज डिस्टर्ब। आई सेड सोहेल आई अंडरस्टैंड। दबंग खान की जिंदगी में यह सबसे बड़ी धमकी थी जो उन्हें दी गई थी। इसे विवेक ओबराय की जवानी का जोश कहिए या फिर एक फिल्म की कामयाबी का नशा, विवेक ने ऐश्वर्या को लेकर सलमान खान को खुली चुनौती दे डाली। सलमान खान ने विवेक की इस बात का पब्लिकली तो कभी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दबंग से पंगा कितना महंगा पड़ता है इसकी एक झलक है विवेक का सरेआम यूं माफी मांग। सलमान से पंगा क्या लिया, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने विवेक ओबराय से किनारा कर दिया। अपने आप को सुपरस्टार समझने वाले विवेक ओबराय को छोटे छोटे रोल के लिए भी धक्के खाने पड़ गए। लेकिन बॉलीवुड की सबसे बड़ी दुश्मनी शुरू हुई साल 2008 में, जब कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में शाहरुख खान ने सलमान पर कमेंट मार दिया। इसके बाद नौबत मारपीट तक पहुंची और फिर शुरू हुई कोल्ड वॉर। कई साल तक चला यह झगड़ा एक इफ्तार पार्टी में 16 के करीब पहुंचा, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन बरकरार रहा। लेकिन जब सलमान की सबसे चहेती बहन की शादी हुई तो सलमान और शाहरुख के बीच दुश्मनी की खबरें भी खत्म हो गई। शाहरुख और सलमान के झगड़े ने बॉलीवुड को दो गुटों में बांट दिया था, लेकिन अब वो नफरतें खत्म हो चुकी हैं, लिहाजा गुटबाजी भी शांत है। सलमान खान इससे पहले भी कई बार साबित कर चुके हैं कि उनसे दुश्मनी करके रहना आसान नहीं है। म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश को सलमान का चेला माना जाता था,
लेकिन जब शोहरत मिली तो हिमेश ने सलमान का दामन छोड़कर अपनी अलग पहचान तलाशने की कोशिश की। इसी चक्कर में वो सलमान को नाराज कर बैठे। लेकिन कई साल की नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार सलमान के दरबार में आकर सलामी देनी ही पड़ी। संजय लीला भंसाली से भी सलमान का मनमुटाव जग जाहिर है। जब संजय लीला भंसाली ने गुजारिश फिल्म बनाई तो सलमान ने कमेंट कर दिया कि इस फिल्म को देखने के लिए कुत्ता भी नहीं पहुंचा। हालांकि उनके इस कमेंट ने ऋतिक रोशन के दिल को चोट पहुंचाई थी। फिल्म दबंग की शूटिंग के वक्त फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने भी सलमान को नाराज कर दिया। यही वजह है दबंग 2 अभिनव कश्यप के बिना ही बन गई। हालांकि बाद में अभिनव ने सलमान को मना लेने का दावा किया और अब इसे सलमान से महंगा पंगा कहिए या किस्मत, अभिनव कश्यप का इंडस्ट्री से वजूद खत्म हो गया है। एक फिल्म आई थी बेशर्म, जो कब आई और कब गई ये तो अभिनव को भी याद नहीं होगा। बात साफ है, दबंग अगर यारों का यार है तो दुश्मनों का दुश्मन भी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और हमारे साथ इस वक्त निशात मौजूद हैं जो कि लगातार इस पूरे मामले को कवर करते रहे हैं। आप लगातार इस मामले पर नजर बना रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि कल जब सलमान उतरे आए, कश्मीर से आए, कुशीनगर से आए, तो क्या बॉडी लैंग्वेज था, किस तरह का था, संजीदा लग रहे थे, किस तरह से बात तो उन्होंने नहीं की, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो अगर आपने पढ़े तो किस तरह से नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बताइए, देखिए ये पहली बार है शायद कि जब कल वो आए सामने, आमतौर पर वो मीडिया से काफी दूर रहते हैं, लेकिन कल जब मीडिया उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी और जिस तरह का जेस्चर था, कहीं ना कहीं उनको इस बात का डर जरूर है कि जो जिन धाराओं के तहत लगातार सरकार वकील उनके खिलाफ सजा की मांग कर रहे हैं, अगर उसमें वो दोषी पाए जाते हैं तो फिलहाल उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। शायद यही वजह थी कल जब वो कोर्ट एयरपोर्ट पर आए, वहां पर तमाम लोग उनसे बात करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कैमरे पर तो नहीं लेकिन पीछे में जरूर कहा कि वो बात जरूर करेंगे, लेकिन फैसला आने के बाद। 304(2) की बात कर रहे हैं, वही जो इनको सबसे ज्यादा का तलब धारा है। देखिए इस पूरे मामले में 3 धाराएं हैं, नेग्लिजेंस, रैश ड्राइविंग और 304(2) जो कल्पेबल होमिसाइड है, जहां मतलब कहीं ना कहीं ये जो धारा है वो सलमान के गले की सबसे बड़ी हड्डी है और इसी को लेकर लगातार जो सरकारी वकील हैं इस पर जोर देते रहे हैं कि जो उस रात 28 सितंबर की रात जो कुछ भी हुआ उसमें सलमान ने जानबूझकर गलतियां की जिसकी वजह से लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए। हालांकि जो उनके वकील हैं वो हर तरह से अपनी तरफ से वो ग्राफिक्स अदालत में लेकर आए, पहली बार वीडियो प्रेजेंटेशन किया और उन हर बार वो कोशिश करते रहे कि रैश जी मैं आपको इस वक्त जो स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से परिवार सारा जो है मौजूद है, पूरा परिवार इस वक्त आप भी देख रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से परिवार सारा स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सारे लोग एकजुट हैं क्योंकि ताकत भी है। और पायल हमारे साथ वहाँ से मौजूद है घर के बाहर। पायल, पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है और सलमान कहते भी रहे उनकी ताकत जो है उनका वो परिवार है, तो इस वक्त वो ताकत उनके पास मौजूद है। पायल प्रतीक, बिल्कुल सलमान के साथ उनका परिवार जो है उनकी ताकत है, साथ ही फैंस जो है उनको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपको बताया कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से उनकी बहन अलवीरा बाहर जा चुकी हैं, बाबा सिद्दीकी उनसे मिलने आए थे, वो भी बाहर जा चुके हैं। ये हम आपको सलमान के घर के बाहर गैलेक्सी अपार्टमेंट जो है उसका ये नज़ारा दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर मीडिया की भीड़ लगी हुई है, साथ ही जो फैंस हैं वो भी सलमान खान को यहाँ पर देखने आए हुए हैं। बस थोड़ी ही देर में सलमान खान यहाँ से निकलेंगे क्योंकि 11 बजे उनकी कोर्ट में पेशी है, तो मुंबई की ट्रैफिक को देखते हुए 1 घंटे के आसपास का समय यहां पर लगेगा। जी प्रतीक, फाइल में आपको रुकूंगा, आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको फैक्ट बता रहे, देखिए खासतौर से परिवार जो है वो आता भी रहा है, लगातार सेशन कोर्ट में भी आता रहा, तो किस तरह से एक स्ट्रेंथ की जो बात हो रही थी वो लगातार मिलती रही सलमान से। बिल्कुल देखिए प्रतीक, 2 चीजें हैं, सलमान का एक लकी चार्म है उनकी छोटी बहन अर्पिता जो उनके साथ इसलिए आती है क्योंकि सलमान उनको बहुत लकी मानते हैं। लेकिन पिछली हियरिंग जब अदालत ने फैसले की तारीख मुकर्रर की थी उस शाम बताते हुए सरकारी वकील हैं घरा साहब, वो अलवीरा के पास गए जो उनकी बड़ी बहन है, उनसे बातचीत की, कहा कि जिस तरह से आपने ये पूरा मामला हैंडल किया है, चाहे सलमान हो या ना हो, चाहे जिस तरह की भी बात अदालत में आई है, बहुत टैक्टफुली आपने हैंडल किया है। तो इस पूरे हियरिंग में जो सलमान की बड़ी बहन है अलवीरा अग्निहोत्री, वो इसे काफी ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करती रही है। सलमान को शायद अपने ऊपर लगे आरोपों का ज्यादा जानकारी नहीं, यानी कि पूरा परिवार इस पूरे मामले को लेकर बेहद संजीदा रहा और बहुत गंभीरता से लेता रहा, जानता था कि ये मामला गंभीर हो भी सकता है क्योंकि उसमें जो धारा 304
दो जुड़ी है, उसमें 10 साल की सजा हो सकती है। गंभीरता था, पूरी गंभीरता के साथ लिया, पूरे परिवार ने और संजीदा बना रहा और आता रहा, परस्यू करता रहा। बिल्कुल, देखिए सलीम साहब भी खुद इस हेयरिंग में आखिरी तारीख जब तय होने वाली थी तो दोनों सलीम साहब साहब और सलमा उनकी जो माँ है दोनों अदालत में आए, और कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का डर है कि जो धाराएं सलमान के ऊपर लगी है शायद उससे निकल पाना आसान नहीं होगा। 13 साल का भले ही लंबा वक्त निकल गया हो, लेकिन जिस तरह से उनके खिलाफ कई सबूत अदालत में पेश हुए, जिस तरह से बार बार गवाह इस बात की तस्दीक करते रहे कि उस रात सलमान ही वो शख्स है जो उस गाड़ी में सवार थे, उनकी गलती की वजह से ये पूरी जो पूरा हादसा हुआ जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए, एक शख्स की मौत हुई, तमाम चीजें हैं जो अदालत सामने आती रही। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिए। वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम एक बार सलमान के घर के बाहर फिर चलेंगे जहाँ पे पायल मेरे साथ है। पायल, इस वक्त यहाँ एक अपडेट दें, हम ब्रेक पे जाने से पहले एक अपडेट लेना चाहेंगे। पायल जी, बिल्कुल प्रतीक, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सलमान के घर के बाहर का ये यहाँ पर सारी मीडिया यहाँ पर खड़ी है। बिल्कुल प्रतीक, सलमान थोड़ी देर में एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि उनके जो परिवार वाले हैं वो एक एक करके बाहर गए हैं। सिद्दीकी, बाबा सिद्दीकी जो है वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ से बाहर गए हैं, और सलमान के जो बॉडीगार्ड है वो यहाँ पर सब तैनात हो गए हैं। ये सलमान के बॉडीगार्ड यहाँ पर अगर आप देखें तस्वीरों में, तो यहाँ पर सलमान के बॉडीगार्ड यहाँ पर तैनात हैं और पूरे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात हो गए हैं। प्रतीक जी, जी तो बिल्कुल, यहाँ पे आपने जैसा कहा कि आप बॉडीगार्ड तैयार हो चुके हैं, गाड़ियाँ तैयार हो चुकी है, परिवार एक साथ है और अब से कुछ देर बाद ही निकलने वाले हैं। पायल जी, जी बिल्कुल, बस अब तक थोड़ी देर बाद यहाँ पे निकलने वाले हैं, और जो आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं शख्स, ये सलमान खान का बॉडीगार्ड है और अंदर की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है सलमान खान बस अब थोड़ी देर में यहाँ से प्रतीक निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी बहन उनसे सुबह मिलने आई थी अलवीरा, वो निकल चुकी हैं। बाबा सिद्दीकी जो पूर्व MLA हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। सलीम खान जो सलमान खान के पिता है वो सुबह वॉक पर गए थे, वापस अभी घर पर हैं, और क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक को देखते हुए 11 बजे उनको वहाँ पहुँचना है, तो 9:30 आसपास जो है सलमान यहां से निकलेंगे। बस अब कुछ ही पलों का इंतजार है जब सलमान अपने घर से सेशंस कोर्ट के लिए मूव करेंगे। जी बिल्कुल, और अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इस पूरे मामले में अपडेट देंगे, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं आपका।